वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है टैग ग्रिप। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम से जुड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेकिन गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही हर बार की तरह आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर और आप इंस्टाग्राम पर किसी की रील्स वगैरह देखने के लिए जा रहे हैं और आपको अचानक से कुछ इस तरह का ये एरर दिखाई दे देता है, दिस सॉन्ग इज करंटली अनअवेलेबल, या गाइज किसी केस के अंदर ये भी होता है जब आप अपनी रील्स को अपलोड कर रहे होते हैं, आपकी रील्स अपलोड हो जाती है लेकिन गाइज जब आप उसको देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको सॉन्ग सुनाई नहीं देता है। इन दोनों ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइज आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बता देते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए गाइज, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आप किसी की रील्स वगैरह देखने के लिए जाते हैं और वहां पर आपको दिस सॉन्ग इज करंटली अनअवेलेबल वाला ये एरर आ जाता है तो उसको किस प्रकार से शॉर्ट आउट करना है। आपको सबसे पहले बिल्कुल ही बैक आ जाना है, जो आपके मोबाइल की सेटिंग होती है आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर ऐप्स वाला एक ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पर टैप करना होगा। फिर आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, आपको यहाँ सर्च बार में सर्च कर देना है इंस्टाग्राम। जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक नया पेज इस तरह से आएगा, आपको नीचे की तरफ तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल, क्लियर डाटा। या तो गाइज आप स्टोरेज पर क्लिक कर सकते हैं, कुछ मोबाइल्स के अंदर स्टोरेज वगैरह के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैचे वाला, तो गाइज आपको यहाँ से क्लियर कैच कर लेना है। या फिर गाइज अगर आप MI का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको नीचे की तरफ तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल, क्लियर डाटा, तो आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना और यहाँ से कर देना इसका क्लियर कैच। आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर डाटा नहीं करना है। फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है और आपको चेक कर लेना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। अगर फिर भी सेम एडिटिज प्रॉब्लम बनी हुई है तब गाइज आपको क्या कर लेना है, जो आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका इंस्टाग्राम है उसको ओपन कर लेना है और बॉटम पर जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो रही है आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग पर टैप कर देना है, फिर आपको हेल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है रिपोर्टेड प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से रिपोर्टेड प्रॉब्लम पर टैप कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इस तरह का ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है, आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। हेलो इंस्टाग्राम टीम, व्हेन आई एम ट्राइंग टू वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम आई एम सीइंग द सॉन्ग इज करंटली अनअवेलेबल एरर ऑन माय अकाउंट इवन थ्रो आई हैव अपडेटेड माय इंस्टाग्राम एज वेल बट सिंस मैनी डेज आई एम फेसिंग दिस रेगुलरली आई एम डूइंग यू प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल थैंक्स। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ एक छोटा सा क्रॉस आइकन शो हो रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आपको ऐड कर देना और सेंड पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद गाइज जो आपकी प्रॉब्लम है वो इंस्टाग्राम टीम के पास पहुँच जाती है और विद इन 48 आवर्स से लेकर 1 वीक तक के अंदर आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जब तक आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 1 वीक तक नहीं होता है आपको रेगुलरली डेली आपको क्लियर कैच करते रहना है एप्लीकेशन का। तो दोस्तों आपको इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है। जिसके बाद गाइज अगर आपके रील्स देखने के लिए जाते हैं और वहां पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा गाइज मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं एक छोटा सा सॉल्यूशन, जो लोग रील्स पोस्ट कर रहे हैं लेकिन उनको सॉन्ग्स वहां पर सुनाई नहीं दे रहा बाद में। तो क्या होता है दोस्तों, कई बार जो हम रील्स अपलोड करते हैं वो हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें क्या कर लेना है, रील्स को एक बार तो हमें डिलीट करना होगा, लेकिन डिलीट करने से पहले आपको उसको सेव कर लेना है। और सेव किस तरह से करना है गाइज, हमने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है तो आप वो देख सकते हैं कि हम सॉन्ग के साथ वीडियो को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें अपनी जो रील्स है उसको रीपोस्ट करना होगा, दोबारा से पोस्ट करना होगा। तो दोबारा से पोस्ट करने के बाद गाइज जो हमारा सॉन्ग्स है वहां पर लग जाएगा और हमारी रील्स सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई या हमारी वीडियो की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो प्लीज एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, और जिन लोगों की नहीं होती है तो भी वे एक कॉमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए कोई और सॉल्यूशन लेके आऊं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।